अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएचवर्ड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है मलाई चिकन की, बहुत ही उम्दा और डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये हमने मसाले ले लिए हैं। हमने लिया 2 टेबलस्पून सफ़ेद तेल, 1.5 टेबलस्पून लिया है हमने कोकोनट पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया खसखस, 8 से 10 काजू ले लिए हैं और 9 से 10 हमने ले लिए हरे मिर्चे। आप चाहें तो कम या ज्यादा कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 ले लिए हमने हरी इलायची और साथ ही लिया है हमने 2 बड़े प्याज इस तरह से हल्के फ्राई किए हुए। तो अब चलें हम इनका पहले पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है। ये हमारे मसाले हैं और प्याज मैंने अलग रख लिया है इसको। तो चलें अब चिकन मैरिनेट करते हैं। ये हमने 1 kg चिकन ले लिया है अच्छे से वॉश करके, तो हम इनको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून हम डालेंगे कसूरी मेथी, नमक हसब जायका, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून प्याज का पेस्ट। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो हमने खसखस, सफेद तेल, नारियल बुरादा और काजू पीसे थे, उसको भी हम 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करें 2 टेबलस्पून दही, फ्रेश होना चाहिए, खट्टा मीठा नहीं होना चाहिए। और अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से और अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास वक्त है तो आप 1 घंटे के लिए रख लें, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। तो 20 मिनट हो गए हैं और हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। तो हमने पैन रख दिया है, इसमें 2 टेबलस्पून तक हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून बटर, इसमें ऐड कर देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए हमारा चिकन गल चुका है और हम इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। इस तरीके से, और देखें इसका कलर कितना अच्छा है। तो अब हम इसी के साथ फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं और तैयार करेंगे इसकी ग्रेवी। तो हमने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बटर, साथ ही ऐड कर देंगे थोड़े चॉप किए हुए लहसुन। इनको हम ब्राउन कर लेंगे। लहसुन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे प्याज का पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे बाकी के मसाले जो हमने सफेद तेल, नारियल बुरादा, काजू ये सब का पेस्ट बनाया था, वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून तक दही, हमने 4 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर दिया है। तो अब हम कवर करके इसको 4 से 5 मिनट तक थोड़ा पकने देंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो थोड़ा सा पक जाएं। तो ये देखें हमारे मसाले जो हैं वो पक चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे अमूल फ्रेश क्रीम 2 से 3 टेबलस्पून तक। हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। तो अब हम इसको कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
तो ये देखिए हमारा मलाई चिकन तैयार हो गया है, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो अब हम देंगे इसको थोड़ा सा स्मोक। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा घी और इसको जल्दी से कवर कर देंगे। हम इसको ऐसे ही कवर रहने देंगे और चेक करेंगे 5 मिनट के बाद। तो ये चिकन हमारा पूरी तरह से बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारा मलाई चिकन। आप भी जरूर ट्राई करें, अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।